हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेगर समाज के युवाओं ने ली मृत्यु भोज न करने की शपथ। अखिल भारतीय रेगर महासभा युवा प्रकोष्ठ जिला पाली के जिला अध्यक्ष कवि आदित्य मौर्य की उपस्थिति में रेगर समाज की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले एवं शहर के सभी कार्यकारिणी सदस्य एवं समाज बंधु उपस्थित रहे। मीटिंग में सामाजिक कुरीतियों पर विशेष बल देते हुए इसे पूर्णता बंद करने का संकल्प लिया एवं ओढ़नी पैरावनी को सर्वसम्मति से सभी समाज के बंधुओं ने समर्थन कर मृत्यु भोज ग्रहण नहीं करने की शपथ ली। युवा जिला अध्यक्ष आदित्य मौर्य जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए युवाओं को बीड़ा उठाना पड़ेगा एवं गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना होगा। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष महोदय ने जिला स्तर पर सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी का निर्माण करने का भी आह्वान किया। बैठक में मदन लाल चंगेरीवाल, राकेश बोरा, धनराज बालोटिया, नरेश सिंगाड़िया, गोविंद बालोटिया, रवि प्रकाश बालोटिया, गोविंद तरोटिया, सुरेश मोर, शांतिलाल, उमेश सिंगाड़िया, किरण बालोटिया आदि रेगर समाज बंधु उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आदित्य मौर्य जिला अध्यक्ष रेगर महासभा युवा प्रकोष्ठ इन्होंने ये कहा। आज अखिल भारतीय रेगर महासभा युवा प्रकोष्ठ जिला पाली द्वारा पाली शहर में जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन रखा गया। इस मीटिंग में रेगर समाज के तमाम बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ी के लोग सम्मिलित हुए। मीटिंग में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में रेगर समाज किसी भी प्रकार का मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा और ना ही किसी प्रकार के मृत्यु भोज रूपी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। समाज की जाजम पर ये शपथ ली कि आज के बाद से, आज एवं अभी से मृत्यु भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं एवं आगे आने वाले समय में हम किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आयोजन नहीं करेंगे, जिसमें गंगा प्रसादी या पैरावना या ओढ़नी इस पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई एवं सभी ने ये अपनी मत से ये प्रस्ताव पारित किया कि आने वाले समय में रेगर समाज मृत्यु भोज, गंगा प्रसादी एवं पैरनी ओढ़नी यानी कपड़े का लेन देन पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।